हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक और निफ्टी के लिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए यानी के एक्सपायरी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के क्या लेवल्स रहेंगे इनके बारे में बात करेंगे। कौन सा ऑप्शन ट्रेड हमारे लिए एक अच्छा खासा जैकपॉट ट्रेड बन सकता है कल के लिए, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के लिए रेगुलर ऑप्शन चेन एनालिसिस मिलेगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट डे के लिए, इंट्रा डे के लिए ऑप्शंस के अंदर मोमेंटम कैसे रहेगा और यहाँ तक कि एजुकेशनल वीडियोज़ आपको इस चैनल के ऊपर भी मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना ऑल पर, ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती जाए। और एक मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है जहां पर मैं एवरीडे लाइव मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अपडेट करती हूँ जिसे आपको मार्केट के लिए हेल्पफुल हो सके, तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर लेना। वो फ्री चैनल है और ऑफिशियल चैनल है, उसको ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको प्रोवाइड की हुई है, तो उधर से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। अभी स्टार्ट कर लेते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 43,780 के करीब। तो यहां पर देखिए, मैंने कल के लेवल्स बिल्कुल ड्रॉ जो नहीं मिटाए हैं, मैंने वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। कल जो मैंने आपको यानी कि मंडे के लिए जो वीडियो बनाया था, सॉरी ट्यूसडे के लिए, उसके जो लेवल्स थे हमने सामने सामने निकाले थे। मैंने पहले नहीं ड्रॉ किया था क्योंकि आपको भी समझ में आना चाहिए कि लेवल्स कैसे निकलते हैं। तो वही बात है, मैंने आपको ये चार लेवल्स मार्क करके दिए थे कल। अपसाइड के लिए मैंने आपको कहा था कि 650 अगर इस लेवल के ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल बनती है या फिर 15 से 20 मिनट के लिए बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो ही अपसाइड के लिए जाना है। और यहां से बैंक निफ्टी फिर हमें अपसाइड के लिए 43,825 तक जाता हुआ दिखाई देगा। 825 और 800 ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी बैंक के लिए, और ये रेजिस्टेंस जोन के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो ही अपसाइड की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, अदरवाइज यहाँ से एक बड़ा फॉल भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज के ओपनिंग की बात करें तो आज की जो ओपनिंग थी वो कहाँ पर हुई है ये हम लोग देख लेते हैं। तो आज की जो ओपनिंग थी वो ये कैंडल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 43,600 के करीब बैंक निफ्टी ने ओपनिंग की थी। और मैंने कल आपको कहा था कि 650 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलेगा तो ही सी साइड के अंदर जाना, टिल देन हमें एक अपसाइड डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी के लिए मैंने आपको कहा था कि 43,400 का लेवल, अगर बैंक निफ्टी 43,400 से नीचे फिसलता है तो सीधा हमें कहाँ तक जाता हुआ दिखाई देगा, 270 तक। तो लो कहाँ तक किया था, 280-290 तक निफ्टी बैंक ने आज लो किया था, यानी कि ये लेवल टूटने पर हमें जो लेवल मैंने आपको निकाल के दिया था वहां तक बैंक निफ्टी गिरा था और यहाँ पर एक अच्छा खासा हमें पी साइड के लिए अपॉर्चुनिटी मिल गई। इससे नीचे अगर गया तो सीधा 43,130 के करीब जाएगा, ये भी मैंने आपको बात कही थी, लेकिन बैंक निफ्टी ने यहाँ पर पॉज लिया और यहाँ से नीचे गया ही नहीं, सीधा यहाँ से हमें जो हमारा सपोर्ट था पहले तोड़ा हुआ वो अभी रेजिस्टेंस बन गया था उसके ऊपर निकल गया। अभी देखिए, मैंने आपको कहा था 43,400 से नीचे गया तो 270 के करीब जाएगा, तो अभी जैसे ही 43,400 के नीचे आया 270 के पास, तो ये जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस बन गया। और अगर ये सपोर्ट से बैंक निफ्टी उठकर ये रेजिस्टेंस से ऊपर जा रहा है, यानी कि यहाँ से एक रिकवरी आ चुकी है, एक तेज रिकवरी हमें इस लेवल से आती हुई दिखाई दी, और फिर बैंक निफ्टी ने हमें जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था 650 का वो भी तोड़ता हुआ दिखाई दिया और कहाँ तक गया था, 43,790 तक। यानी कि आप यहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते थे कि अगर इस लेवल से नीचे नहीं जा पा रहा है, आप ये कैंडल्स देख सकते थे, और यहाँ से ऊपर उठकर ये लेवल के पास भी गया और इसके ऊपर भी टिका है, यानी कि यहाँ से एक तेज रिकवरी पॉसिबल है बैंक निफ्टी के लिए, और वही हमें देखने को भी मिला। 43,650 का रेजिस्टेंस तोड़ा और अभी क्लोजिंग बेसिस के ऊपर इस लेवल के ऊपर बंद हुआ है, तो रिकवरी तो आई है। कल एक्सपायरी है तो कल के लिए पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, पहले हम लोग एक बार FIS की पोजीशंस देख लेते हैं। तो FIS कीप सेलिंग, हमें मार्केट के अंदर सेलिंग देखने को मिल रही है FIS के अंदर, और डोमेस्टिक बायर्स जो है उसमें हमें बाइंग देखने को मिल रही है। ग्लोबल इंडाइसेस क्या कह रहे हैं ये भी हम लोग एक बार देख लेते हैं।
सो ये पेज, हाँ तो ग्लोबल इंडाइसेस देखिए निगेटिव चल रहे हैं और पूरा हमें यहाँ पर रेड रेड रेडनेस ही दिख रहा है। ग्लोबल इंडाइसेस नेगेटिव फॉर्म में है। ऑप्शन चेन डेटा क्या कह रहा है, तो कल के एक्सपायरी का ऑप्शन चेन डेटा है। सबसे ज्यादा कहाँ पर कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, तो कॉल साइड में देखें 2,58,000 यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें राइटिंग, तो 98,000 की हाईएस्ट राइटिंग हुई है 44,500 के पास। इसके साथ साथ देखें तो 2,17,000 का ओपन इंटरेस्ट है 43,700 के पास और 98,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की राइटिंग हुई है 43,700 के पास। तो अभी यहाँ से बैंक निफ्टी अगर कल के सेशन में 43,700-800 के ऊपर निकल जाता है, जो कि मैंने आपको पिछला रेजिस्टेंस लेवल बताया था, तो यहाँ से सीधा जो रिकवरी है वो हमें 44,000 और 44,500 के तरफ जाती हुई दिखाई देगी। तो बैंक निफ्टी रिकवरी करके अगर फ्लैट ओपनिंग करता है तो सीधा हमें 44,000 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज एक चांसेस हो सकते हैं, सामने अगर देखें हम लोग तो 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट 43,600 के पास है, 2,80,000 का 43,500 के पास है और जो राइटिंग है पुट राइटिंग वो दो लेवल्स के ऊपर है 600-700। तो एक 500 के पास डिप मारकर फिर अपसाइड के लिए 44,000 एंड 44,100-200 की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है। चलते हैं चार्ट के ऊपर, लेवल्स देख लेते हैं। अभी फिलहाल 15 मिनट्स कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है मेरे सामने, तो अभी जो कल के लेवल्स थे उसमें से सिर्फ मैं ये रेजिस्टेंस वैसे के वैसे रख रही हूँ, ये लेवल्स सारे हम लोग हटा दे रहे हैं। तो अभी हम लोग फ्रेश लेवल्स यहाँ पर मार्क करेंगे कल के सेशन के लिए, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है बैंक निफ्टी के लिए। तो देखिए अभी 43,825 ये लेवल के पास हमें पिछले जो डेटा में, तो वहां से हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला था 43,825। तो हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस यहां से रहेगा वो ये लेवल रहेगा। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर 15 मिनट के लिए कैंडल, एक पॉजिटिव कैंडल बना देता है, तो हम लोग यहां से अपसाइड के लिए जाएंगे 44,000 and 44,100 के लेवल के लिए। तो यहाँ से सी के अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें बुक हो सकता है अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग करता है। जैसे अभी क्लोजिंग मिली है तो 800, 750, 820 यहाँ पर अगर ओपनिंग होती है तो आपको वेट करना है 15 से 20 मिनट के लिए अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव कैंडल बनाता है इस लेवल के ऊपर, तो हम लोग सी साइड के अंदर एंटर करेंगे। यहाँ से आप 43,700-800 या फिर 43,900 सी भी बाई कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें बुक हो सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटीज हो गई। फॉल की एक्सपेक्टेशंस कब है, अगर आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी ने ओपनिंग की है 43,820 या फिर ये लेवल के पास आसपास ही ओपनिंग की है, लेकिन यहाँ से बैंक निफ्टी जो है वो डाउनसाइड के लिए हमें कैंडल्स बनाता हुआ दिख रहा है या फिर निगेटिव कैंडल्स इसके नीचे बन रही है, तो हम लोग एक फॉल के लिए यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा। फिर प्रॉफिट जो है वो हमें तुरंत बुक कर लेना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी 820 के नीचे ही रहता है तो हमें जो है वो फॉल कहां तक देखने को मिलेगा, फर्स्ट जो फॉल देखने को मिलेगा वो 43,720 के पास देखने को मिलेगा। यहां पे अपना हाफ प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना। यहां से नीचे अगर फिसला तो कहां तक जा सकता है, 43,650 ये नेक्स्ट फॉल लेवल रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 3 टाइम बैंक निफ्टी ने यहां पर सपोर्ट लिया है, तो आप 560 के पास ये लेवल आप मार्क कर लीजिएगा, 43,720 एंड 43,560 ये दो लेवल्स हम लोग फॉल के देख सकते हैं अगर बैंक निफ्टी ने 43,825 के नीचे ही कैंडल्स बनाई या फिर इसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, तो यहां से हम लोग ये दो लेवल्स तक फॉल देख सकते हैं। फिर हमें इस पी के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। आप यहाँ पर 43,700 पी ले सकते हैं, 600 पी ले सकते हैं। कल एक्सपायरी है तो आपको प्रीमियम भी कम मिलेगा, तो यहाँ पर आप क्वांटिटी ज्यादा लेकर अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। तो ये दो लेवल्स रहेंगे कल सेलिंग के लिए अगर इससे नीचे बैंक निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग की, तो फ्लैट ओपनिंग के ये चांसेस है। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग करता है तो क्या लेवल्स होंगे और तो हम लोग किस साइड जाएंगे, तो बैंक निफ्टी मोस्ट ऑफ अगर गैप अप ओपनिंग करता है तो रेंज बाउंड रहता है। बैंक निफ्टी अगर रेंज बाउंड रहा, अगर गैप अप ओपनिंग करके
यहाँ से अगर आप देख सकते हैं 43,900 या फिर 44,000 के करीब ओपनिंग हो जाती है और बैंक निफ्टी एक ही रेंज में ऐसे कैंडल्स बना रहा है, लेकिन ये लेवल नहीं टूट रहा है 825 का। अगर गैप अप ओपनिंग करके भी ये लेवल होल्ड रख रहा है बैंक निफ्टी, यानी कि यहाँ से एक तेज रिकवरी पॉसिबल है और फिर बैंक निफ्टी हमें 44,150 के करीब तो जाता हुआ दिखाई देगा ही देगा, लेकिन इससे ऊपर 44,300 और 400 के करीब भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है अगर गैप अप ओपनिंग करके इसी रेंज में रहा तो। यहाँ पर ही ट्रेडिंग होती रही तो हम लोग एक अपसाइड का तेज मोमेंटम देख सकते हैं, एक शॉर्ट कवरिंग रैली जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग करता है, तो गैप डाउन का मतलब है बिलो 650 अगर बैंक निफ्टी ओपनिंग करता है या फिर बिलो 650 ट्रेडिंग करता है ओपनिंग के बाद, तो यहां से चांसेस है बैंक निफ्टी के 480 और 400 तक गिरने के। और जो पिछला रिकवरी लेवल है जो कि 280 के करीब है, 280-300 के करीब, तो यहां से फिर से एक रिकवरी करके बैंक निफ्टी हमें अपसाइड के लिए मोमेंटम दिखा सकता है। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं अभी ग्लोबल इंडाइसेस आज के लिए अगर देखे तो, थोड़ा हमें यहां से निगेटिव ओपनिंग के चांसेस दिख रहे हैं। तो निगेटिव ओपनिंग अगर 730 या फिर 700 के करीब भी हो जाती है तो भी बैंक निफ्टी एक सपोर्ट के तरफ फॉल दिखाएगा, क्योंकि एक सपोर्ट से बाइंग आती हुई हम लोग पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी के लिए देख रहे हैं। तो इस वजह से बैंक निफ्टी जो है वो हमें एक फॉल दिखाकर, एक सपोर्ट लेकर फिर अपसाइड के लिए मोमेंटम भी दिखा सकता है। सो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लिए अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लो या फिर जो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है वहां पर भी आप पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपको आंसर कर दूंगी। सो बैंक निफ्टी की अगर वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न देखे तो पिछले कुछ दिनों से 3 से 4 सेशन से हमें शैडोज जो है वो बहुत ज्यादा दिख रहे थे और कैंडल्स देखिए निगेटिव कैंडल्स बन रही थी, लेकिन आज एक पॉजिटिव कैंडल बनी है। आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव कैंडल है और यहां तक अभी अगर देखे तो सब चीजें अगर सही रही और इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी निकल गया तो बैंक निफ्टी को 44,400-500 के तरफ जाते हुए कोई नहीं रोक सकता। फिर यहाँ से मोमेंटम जो है वो क्लियरली हमें अपसाइड के लिए दिखाई दे सकता है, लेकिन अगर यहाँ से फॉल हुआ तो बैंक निफ्टी 43,550 और यहाँ तक कि 43,130 के तरफ भी अपना जो नेक्स्ट मोमेंटम है वो दिखा सकता है, एक डाउनफॉल दिखा के फिर अपसाइड के लिए जाने के चांसेस निफ्टी बैंक के फिर बने हुए हैं। सो आई होप कि आपको निफ्टी बैंक के लिए सब समझ में आ चुका है। अभी बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के ऊपर। तो निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 19,400 के पास। तो निफ्टी ने देखिए कल के रेंज में ही कैंडल बनाई है, कल का हाई नहीं ब्रेक कर पाया है। 420 के ऊपर निफ्टी के लिए सस्टेन करना थोड़ा यहाँ पर मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है और अपसाइड के लिए जैसे मैंने कहा है 480 के ऊपर निकलेगा तभी अपसाइड के ये जो लेवल्स है ये पॉसिबल है। और निफ्टी के लिए जो हमने सपोर्ट की बात की थी, देखिए 340-330 ये लेवल निफ्टी ने आज भी होल्ड रखा है, ये सपोर्ट नहीं तोड़ा है। 19,300 का सपोर्ट जब तक होल्ड है तब तक निफ्टी के अपसाइड के लिए 19,500 और 600 के चांसेस पूरे बने हुए हैं और डाउनसाइड के लिए 19,000 का साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। और ये सपोर्ट जब तक होल्ड हो रहा है निफ्टी के ज्यादा गिरने के चांसेस हैं नहीं। तो यहां से 19,000 अगर टूटा तो ही फ्रेश वीकनेस जो है वो निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी की एक्सपायरी परसों है, तो अभी देख लेते हैं ऑप्शन चेन डेटा। कॉल साइड में जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो 1,68,000 का है और कॉल साइड में जो राइटिंग है सबसे ज्यादा वो हुई है 54,000 की, जो कि 450 और ओपन इंटरेस्ट 500 के ऊपर है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर 450 और 500 ये अपसाइड के लिए एक इमीडिएट हर्डल बन रहा है, एक रेजिस्टेंस बन रहा है निफ्टी 50 के लिए। और अगर इस रेजिस्टेंस को निफ्टी ब्रेक करता है सक्सेसफुली तो यहाँ से निफ्टी हमें अपसाइड के लिए 100 से 200 पॉइंट्स की रैली आराम से दिखा सकता है, यहाँ तक कि 19,600 भी इस एक्सपायरी के लिए एक्सपेक्ट है। फिर अगर कल
निफ्टी 500 के ऊपर निकलता है तो एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी हमें 19600 को टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। सामने सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो है 1,39,000 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 400 के ऊपर है, लेकिन पुट साइड में जो राइटिंग है वो यहाँ पर हमें कम दिखाई दे रही है। सीधा डाउन साइड के लिए 18950 के तरफ कुछ हमें हलचल दिख रही है, 40,000 पुट राइटर्स बैठे हैं और 1,33,000 का ओपन इंटरेस्ट 19,000 के ऊपर बना हुआ है। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो 19,000 के पास है, लेकिन यहां पर बीच में उतना अच्छा सपोर्ट नहीं बन पा रहा है निफ्टी के लिए। तो अगर निफ्टी 19,300 को तोड़ देता है तो यहां से फिर से अपने साइकोलॉजिकल सपोर्ट के तरफ निफ्टी हमें गिरता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर निफ्टी 19,300 को होल्ड रखता है तो आगे आने वाले सेशंस में, यानी कि कल के सेशन में, निफ्टी हमें इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी निकलता हुआ दिखाई देगा और कल के लिए फिर निफ्टी के लिए चांसेस है 19,480 और 500 के लेवल के। तो ये लेवल्स निफ्टी कल हमें दिखा सकता है अगर निफ्टी 300-350 के सपोर्ट को होल्ड रखता है तो निफ्टी के लिए कल के लिए कौन सा ट्रेड बन सकता है, कौन से लेवल के पास बाइंग के लिए जाना चाहिए। अभी देखिए, आज हमने देखा ये दोनों लेवल्स 420 एंड 430, अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर 15 से 20 मिनट के लिए एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है, 15 मिनट की अगर पॉजिटिव कैंडल भी बना देता है तो हमें अपसाइड के लिए 19,510 और 530 के तरफ निफ्टी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ये कंफर्म है। फिर आप एक अपसाइड के लिए, सी साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पर आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। डाउन साइड के लिए कब जाएंगे, जब तक 346 ये जो लेवल मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है, ये लेवल से नीचे निफ्टी नहीं फिसलता है ना, तब तक पी साइड में मत जाना क्योंकि यहाँ पर रिस्की हो सकता है। पी साइड के अंदर जाना बहुत ज्यादा रिस्की होगा, अगर इस लेवल से नीचे फिसला तो एक अच्छा खासा जैकपॉट पी के अंदर लग सकता है 280 और 230 तक। फिर फॉल हमें एक हैवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और ड्रास्टिकली निफ्टी जो है वो हमें डाउन साइड के लिए शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। टिल देन, जब तक ये लेवल होल्ड हो रहा है, पीई के अंदर उतना मोमेंटम नहीं होगा और अगर ऑप्शन बायर्स है पीई के अंदर तो यहाँ से ऑप्शन बायर्स का फायदा बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ पीई के अंदर इस लेवल से नीचे ही जाना, उससे पहले एंटर करना थोड़ा रिस्की है। सो आई होप कि आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस समझ में आ चुका है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।